पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा सेकंड टेस्ट मैच काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। पाकिस्तान के ही मैदान पर ऑस्ट्रेलिया टीम जीत के कगार पर पहुंचती नजर आ रही है। अब सब कुछ कप्तान बाबर आजम के हाथ में और उनके ओपनिंग खिलाड़ी अब्दुल्ला शफीक के, क्योंकि बहुत बड़ा रन चेज है और इसके बाद चार सेशन का खेल बचा है। किस तरीके से पाकिस्तान को उनके घरेलू मैदानों पर पूरी तरीके से तैयार हराने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम, 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के मैदानों का दौरा कर रही है और जिस तरीके का पहला मैच रहा था वो देखकर सभी फैंस काफी ज्यादा निराश थे क्योंकि वो मैच ड्रॉ था। लेकिन इस सेकंड टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ने ही बेहतरीन कमाल दिखाते हुए इस मुकाबले को अपनी ओर झुका दिया है। 8 विकेट दूर है टीम ऑस्ट्रेलिया जीत के लिए और 402 यानी कि 402 रन की आवश्यकता यहां पर ऑस्ट्रेलिया टीम को यहां पर बचाने के लिए। पाकिस्तान की टीम इतना बड़ा स्कोर 507 रन का, 507 रन जितना बड़ा लक्ष्य चेस कर लेती है तो बहुत बड़ा इतिहास होगा। लेकिन ये इतिहास रचने के लिए उनको काफ़ी कुछ मेहनत मशक्कत करनी होगी क्योंकि एक तो सेशन की अगर बात करें तो चार सेशन का खेल बचा कर एक एक सेशन में 100-100 रन भी बनाते हैं तो आसानी से बन सकते हैं, लेकिन ये कहना आसान है। पहले आपने 3 दिन खेला, उसमें फील्डिंग भी करी आपने 2 दिन लगातार, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ही 2 दिन बल्लेबाजी कर गई तो आपके लिए मुसीबत तो वैसे ही खड़ी हो गई। अब यहाँ से मैच को बचा पाना ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा आसान होगा और पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल। चलिए दोस्तों, आपको टी ब्रेक यानी आज 4th दिन के खेल के सेकंड सेशन तक के हाईलाइट के बारे में बताते हैं। किस तरीके से कप्तान बाबर आजम ने मोर्चा संभाल लिया है, क्या अपने बल्ले से इस तरीके का कमाल दिखा पाएंगे कि ये मैच जिता सकें। अगर ऐसा होता है पॉसिबल तो इतिहास तो बन ही रहा है क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ 24 साल बाद पाकिस्तान के मैदानों पर खेली जा रही है। इससे पहले रावलपिंडी के पिच पर था और ये दूसरा मैच नेशनल स्टेडियम कराची के मैदान पर है, तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग अब घटता नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपको रूबरू कराएं प्लेइंग 11 से और बाकी जानकारी दोस्तों, पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी को बताएं ये नेशनल स्टेडियम कराची के मैदान पर मुकाबला जारी है। ठीक सुबह 10:30 पर ये मुकाबला शुरू हुआ था जहां पाकिस्तान की प्लेइंग 11 इस सेकंड टेस्ट मैच में अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक, अजहर अली, बाबर आजम, फवाद आलम, मोहम्मद रिजवान और इनके साथी खिलाड़ी फहीम अशरफ, हसन अली, नोमान अली, शाहीन अफरीदी और साजिद खान देखने को मिले। वहीं बात करें ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की तो डेविड वॉर्नर, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशाने, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस सेट, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन और मिचेल स्वैप्सन हमें देखने को मिले। अब यहां से पहली पारी के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने 556 जितना बड़ा स्कोर बनाया 9 विकेट के लॉस पर, जिसमें यहाँ पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हमें 2 से 3 बल्लेबाजों की देखने को मिली, जिसमें उस्मान ख्वाजा ने 160 रन की पारी खेली 369 बॉल्स में, तो दूसरी तरफ स्टीव स्मिथ ने भी 214 बॉल में 72 रन बनाए थे और वहीं 68 बॉल में 38 रन नेथन लायन ने भी नाइट वॉचमैन के रूप में बनाया था, 48 बॉल्स में 23 रन ट्रेविस हेड ने और 73 बॉल्स में 28 रन कैमरन ग्रीन ने। लेकिन सबसे बेहतरीन पारी जो लगी वो लगी एलेक्स कैरी की, क्योंकि इन्होंने 159 बॉल्स में 93 रन की पारी खेली थी, 97 बॉल में 28 रन की पारी मिचेल स्टार्क ने भी, और पैट कमिंस और स्वैप्सन भी आउट होने का नाम नहीं लिए थे, जहां पैट कमिंस ने भी अंत में एक तरीके से टैलेंटर होने के बावजूद भी इन्होंने बहुत बेहतरीन 36 बॉल में 34 रन लगाए थे, 3 छक्के और 2 चौके की बदौलत कप्तान पैट कमिंस की ये 94 स्ट्राइक रेट के साथ पारी थी। स्वैप्सन ने भी 26 गेंदों में 15 रन की पारी 1 चौके की बदौलत खेली थी। लेकिन गेंदबाजों की बात करें तो शाहीन अफरीदी ने 1 विकेट चटकाया था, हसन अली ने 2 विकेट, फहीम अशरफ ने 2 विकेट, साजिद खान, नोमान अली और बाबर आजम ने भी 1-1 विकेट चटकाया था। बाबर आजम का गेंदबाजी करना थोड़ा आश्चर्यजनक था और एलेक्स कैरी को आउट करना वो तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की टीम फर्स्ट इनिंग के दौरान 148 पर ही ऑल आउट हो जाती है। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था पूरे मैच का, क्योंकि एक तो सामने से पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 556 जितना बड़ा टारगेट बनाया फर्स्ट इनिंग में और पाकिस्तान की टीम 148 पर ऑल आउट हो रही है, जिसमें सबसे बड़ी पारी की बात करें तो वो बाबर आजम कप्तान ही खेल के गए थे 79 बॉल में 36 रन की, और दूसरी तरफ शफीक 13 रन पर रन आउट हो गए थे, इमाम उल हक ने 20 रन बनाए थे, अजहर अली ने 14 रन बनाए थे, और दूसरी तरफ बात करें तो इनके साथी खिलाड़ी टैलेंटर बल्लेबाज नोमान अली ने 20 रन बनाकर नाबाद थे और शाहीन अफरीदी ने भी 19 रन की पारी 3 चौके 1 छक्के की मदद से खेली थी। लेकिन गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क ने बहुत बेहतरीन कमाल किया था, 3 विकेट उन्होंने चटकाई थी 13 ओवर में, 5 मैडन ओवर डालते हुए 3 विकेट, और पैट कमिंस ने 1, नेथन लायन ने 1, स्वैप्सन ने 2 और कैमरन ग्रीन ने 1 विकेट चटकाई थी। लेकिन इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया की टीम की बारी आई, मतलब पहली पारी के दौरान ही बहुत बड़ा मार्जिन से लीड पा ली थी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने और ये मार्जिन था 408 रन का, 408 रन जितना बड़ा मार्जिन था ये,
लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम जब सेकंड इनिंग बल्लेबाजी करने उतरी तो 408 रन पहले से इतना बड़ा मार्जिन था, उन्होंने दूसरी पारी में सिर्फ और सिर्फ 97 रन बनाए थे और मार्नस लाबुशाने के आउट होते ही पारी को डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि कम से कम यहां पर पाकिस्तान की टीम को वो 6 सेशन बल्लेबाजी के लिए देना चाहते ताकि पाकिस्तान भी पूरी जद्दोजहद करे और इस 6 सेशन के दौरान पाकिस्तान की विकेट चटकाकर ऑस्ट्रेलिया की टीम आसानी से मुकाबला जीत सके। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग के दौरान भी ये बल्लेबाज टिक गए थे। उस्मान ख्वाजा ने जो पहली पारी में ही इन्होंने 160 रन की पारी खेली थी तो दूसरी पारी में भी ये 70 बॉल में 44 रन बनाकर नाबाद खड़े थे। तो ऐसे में ये बहुत बेहतरीन है उस्मान ख्वाजा के समय फॉर्म देखा जाए टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से गजब की फॉर्म से गुजर रहे हैं। डेविड वॉर्नर 16 बॉल में 7 रन बनाकर आउट हुए थे। हसन अली ने उनका विकेट लिया था और लाबुशाने का विकेट शाहीन अफरीदी ने। 49 बॉल्स में 44 रन बनाकर मार्नस लाबुशाने खड़े थे 5 चौके 1 छक्के की बदौलत। वहीं पाकिस्तान की सेकेंड इनिंग की बात करें तो पाकिस्तान सेकेंड इनिंग के दौरान 104 के स्कोर पर पहुंच चुका है। 507 रन का पीछा कर रही है पाकिस्तान की टीम। बोलना बड़ा आसान है, करना बहुत कठिन है, और 507 रन बनाना मतलब कम से कम 4 से 5 सेशन की बल्लेबाजी लगातार करनी है, वो भी ताबड़तोड़ तरीके से तब आप ये चेस कर पाओगे। उसके बावजूद यहाँ बात करें तो अब्दुल्ला शफी की 138 गेंदों में 44 यानी कि 138 बॉल में 44 रन बनाकर नाबाद खड़े हैं बाबर आजम के साथ। इमाम उलक 18 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हुए। अजहर अली 54 गेंदों में 6 रन। ये दुबई खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहले मुकाबले में शतकीय पारी खेलकर सभी को हिला कर रख दिया था, लेकिन इस मुकाबले में 10 रन से भी आगे नहीं बढ़ पाए, तो ये बहुत ही बड़ी सिचुएशन खड़ी हो गई पाकिस्तान के सामने। वहीं बाबर आजम 79 बॉल में 47 रन बनाकर 7 चौके की मदद से खड़े हैं। 1-1 विकेट अभी तक नैथन लायन और कैमरन ग्रीन ने चटकाई है। कैमरन ग्रीन की बात करें तो युवा ये खिलाड़ी है, 23 साल का होने वाला है और टेस्ट करियर अभी बहुत छोटा है, लेकिन अभी बहुत बेस्ट इनका टेस्ट करियर है। अब देखते हैं किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम में मुकाबला जीत पाती है। यहाँ से अभी 4 सेशन का खेल और बचा है। आज टी ब्रेक तक का हमने हाईलाइट दिया आपको, अब इसके आगे 1 सेशन और बचा है और यहाँ से 3 सेशन कल और खेले जाने हैं, यानी कि 120 ओवरों का अभी मुकाबला होना है और इस 120 ओवरों में 402 रन का पीछा पाकिस्तान की टीम को करना है, 402 रन चेस करना है इन 120 ओवर्स में। तो ये बहुत बड़ा और बहुत दिलचस्प मुकाबला हो गया है। पहले मुकाबले की तरह नहीं है, पहला तो बहुत ही बोरिंग था, वहां पर रनों की बरसात हुए जा रही इसकी वजह से एक डिमेरिट अंक भी दिया गया था राहुल पिंडे की पिच को आईसीसी की तरफ से। 5 अगर डिमेरिट अंक मिल जाते हैं, पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो उस स्टेडियम पर 2 साल तक इंटरनेशनल मुकाबले नहीं खेले थे, ऐसे कुछ रूल्स भी हैं। लेकिन इस पिच ने, नेशनल कराची स्टेडियम की पिच ने, पाकिस्तान के बल्लेबाज जिस तरीके से बह गए ऑस्ट्रेलिया की तूफानी गेंदबाजी के आगे, वो दिलचस्प नज़ारा था। लेकिन अब पाकिस्तान 104 रन बनाकर 2 विकेट के साथ नाबाद खड़ी है और 402 रन अभी भी पीछा करना है। क्या लगता है दोस्तों, पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम कितनी बड़ी पारी खेलेगा? अगर इनके बेस्ट स्कोर की बात करें तो बाबर आजम का अब तक का हाईएस्ट स्कोर टेस्ट में 143 यानी कि 143 का, और वहीं बात करें अब्दुल्ला शफी की तो इनका हाईएस्ट टेस्ट स्कोर 136 का है। तो बहुत ही दिलचस्प ये मुकाबला होने वाला है और आने वाले बल्लेबाज में हम देखते हैं कि फवाद आलम, मोहम्मद रिजवान, फहीम अशरफ, ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर मुकाबले को निकाल सकते हैं। टैलेंटेड बल्लेबाजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता पाकिस्तान के, लेकिन हाँ जो अभी मैदान पर है उन पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आप ये मुकाबला लाइव देख सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से लाइव अपडेट मिलती रहेगी। नेक्स्ट